नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे अपने चैनल नॉलेज हाउस में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। सबसे पहले देखिए आज का जो हमारा मोटिवेशन थॉट है, हमारा जो सुविचार है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और कल का एनालिसिस जिसने भी मिस कर दिया है बता देता हूँ, कल रात में 11:30-11 बजे के आसपास मैंने एनालिसिस अपलोड कर दिया था, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और 11 नवंबर 2018 12 बजे सभी लोग यहाँ पे आ जाइएगा। हमारा जो व्हाइट बोर्ड लाइव क्लासेस उसका पूरा शेड्यूल आप लोगों के सामने आएगा, जितने भी एग्जाम आपके सामने दोस्तों लिखे हुए हैं इन सबकी यहाँ प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे नए नए एग्जाम्स की तैयारी आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे, तो आप लोगों बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एंड सीबीएसई बोर्ड्स का तो जरूर आप प्रचार करिएगा। सीबीएसई बोर्ड्स में अगर आपके कोई भी बच्चे हो, मतलब भाई हो, बेटा हो, या फिर जो भी रिलेटिव हो, जो भी मतलब आप मतलब कह सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली सर्कल में जो भी यहाँ पे हो, उनको जरूर बताइएगा कि सीबीएसई क्लास 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी की चारों की क्लासेज हमारे यहाँ पे लगने वाली हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और लेट्स सी फिर आगे हम कैसे क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आज का जो सुविचार है दोस्तों वो बहुत ही शानदार लिखा हुआ है कि आप एक विनर की तरह जन्मे हो, लेकिन अगर आपको वो चीज़ मुकाम करनी है तो प्लान करो अपनी जीत को, प्रिपेयर करो अपनी जीत के लिए, और एक्सपेक्ट हमेशा करते चलो कि आपको जीत मिलेगी, ठीक है। लाइफ में दोस्तों अगर आपको मंजिल प्राप्त करनी है तो हमेशा मन में आपके पास वहाँ तक पहुँचने का रास्ता खोजना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भगवान के भरोसे बैठे हुए हो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो वही वाली बात है कि दिमाग में कुछ सोचो, विज़न रखो अपना, और हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो कि आपको वो विन मिलनी ही मिलनी है, तभी आपको वो विन एक दिन मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज की अगर हम स्कीम की बात करें दोस्तों तो हम यहाँ पे देखिए एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से, अदर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, और डेली एमसीक्यू और मैथ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ आज इनके जगह पे, तो आज आप वो लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जिनको भी मैं बता रहा हूँ लास्ट दिन है आज जीएस पेपर बताने का, सभी लोग मुझे आज भी टॉपिक्स में से बताएंगे कौन सा जीएस पेपर का कौन सा टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आज के हम दोस्तों डिस्कशन में आर्टिकल्स देखें तो सबसे पहला दोस्तों जो आर्टिकल है आपका ये वापस से जो आपका दोस्तों सीबीआई में पूरा उथल पुथल मची हुई है दो डायरेक्टर्स के बीच में, जो उनके स्पेशल डायरेक्टर थे और जो उनके ओरिजिनल डायरेक्टर थे उनके बीच में, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पे डिसीजन दिया है। उन्होंने यहाँ पे 2 वीक का टाइम दिया है आई थिंक, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार पढ़ के, 2 वीक का टाइम ही है, जिसमें यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अंतर्गत, एक्स जज के अंतर्गत यहाँ पे कमेटी बनाई गई है और पूरी जाँच होगी और उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये वही आर्टिकल है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो अगला आर्टिकल है हमारा हु विल स्पीक ट्रूथ टू अनफ्रीडम, थोड़ा सा पॉलिटिकल आर्टिकल है और थोड़ा सा मतलब अनइम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। ये वाला जो आर्टिकल है इंडिया और जापान के रिलेशन से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आईआर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और प्रोसीड विद कॉशन दोस्तों, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको यहाँ भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो पर्टिकुलरली ये आर्टिकल है त्रिपुरा में भी दोस्तों जो एनआरसी आने की डिमांड चल रही है ना, उसी से रिलेटेड आपका ये आर्टिकल है, तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए ग्राउंड जीरो निकलता है और सैटरडे में पंजाब बर्निंग प्रॉब्लम, बेसिकली दोस्तों अभी देखिए ठंड आने वाली है और अभी सारी जो फसलें जलाई जाती हैं उसकी वजह से फॉग दिल्ली में हो जाती है, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बर्निंग प्रॉब्लम ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ग्राउंड जीरो थोड़ा सा हमारे लिए इतना होता नहीं क्योंकि स्टोरी टाइप से लिखा होता है इसके अंदर, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो आपके मतलब नॉलेज के लिए, अदरवाइज इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं दोस्तों आज का डिस्कशन। देखिए दोस्तों इंडिया और जापान की अपनी एक स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस रही हुई है, और इंडिया और जापान दोस्तों काफ़ी समय से साथ में खड़े रहते हैं। अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात कर लें, आप सभी को पता हो कि दिल्ली में जो बुलेट ट्रेन से जो मेट्रो ट्रेन पूरी की पूरी बनी हुई है दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमारी जापान की ही है और जापान की कंपनीज़ ने ही, जापान की गवर्नमेंट की मदद से ही वो वहाँ पे बनी हुई है, और उसके बाद अब हमारे इंडिया के कंट्रोल में आई है। कुछ ऐसा हुआ था कि 2 साल तक के लिए उनके अंडर में रहेगी जापान वालों के, उसके बाद हमारी इंडिया पे आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब जापान और इंडिया हमेशा आगे साथ बढ़ते हुए आगे आया है। बुलेट ट्रेन दोस्तों अभी हम सुन रहे हैं, तो वो भी हम जापान के साथ ही मिलकर आगे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी इस आर्टिकल में भी आप उस चीज़ को देखेंगे। तो बेसिकली दोस्तों इंडिया और जापान के रिलेशन हमेशा अच्छे रहे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल है आप, अब देखिए दोस्तों जब से 2006 में यहाँ पे एक एनुअल समिट लेवल की मीटिंग स्टार्ट हुई थी इंडिया और जापान के बीच में, तब से यहाँ पे इंडिया और जापान का एक अलग ही रिलेशन उभर कर सामने आ रहा है। अभी देखिए मोदी जी जो हैं वो जापान जा रहे हैं, जापानीज़ में जो दोस्तों आपके काउंटर पार्ट हैं शिंजो एबे वहाँ के जो हेड हैं दोस्तों उनसे मिलने वहाँ पर बातचीत करने के लिए, और काफ़ी सारी चर्चाएँ दोस्तों अब यहाँ पर होने
आपको सामने आएगी, जैसे कि यूएस और चाइना की जो दोस्तों जो लड़ाई चल रही है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे, जापान पे, दोनों पे पड़ रहा है, और जापान इंडिया पे क्या पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। पूरे देखिए आप देख सकते हैं महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, डॉलर की कीमत और वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का जो रीसेंट एक्शन है, ट्रेड टैरिफ जो इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है, इसके बाद जो सैंक्शन कर देंगे ईरान और रशिया पर, अगर आपने ट्रेड किया ईरान के साथ, देखिए इन्होंने सैंक्शन लगा रखा है ईरान और रशिया के साथ, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बोल रखा है कि ईरान और रशिया से जो ट्रेड करेगा मुझसे भी वो खफा हो जाएंगे, हम उसके खिलाफ भी यहाँ पे एक्शन लेंगे। तो मतलब काफ़ी सारी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से इंडिया और अदर कंट्रीज़ को। तो ये सारी चर्चा यहाँ पे मोदी जी जाके आपके जो जापनीज़ हमारे काउंटर पार्ट हैं शिंजो एबे जी उनसे करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे राइटर लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिया की बात करें तो डायरेक्ट ही इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है अमेरिका ने जो टैरिफ लगाई है, और आपको सभी को पता है जो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे अमेरिका ने बढ़ा दिया है उसका भी हम पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं हमसे पैसे निकाल निकाल के कहीं और कंट्रीज़ में लगा रहे हैं। इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया दोस्तों वीज़ाज़ फॉर प्रोफेशनल्स, चाहे इंडिया के लोगों चाहे बाहर के लोगों। तो इस पर देखिए काफ़ी सारी जो दिक्कतें यहाँ पे इंडिया को डायरेक्टली फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा देखिए यूएस का जो सैंक्शन है दोस्तों इंडिया के एंगेजमेंट के ऊपर लगने वाला है, जो अगर हम रशिया से अभी हमने सामान परचेस किया है तो पूरा यूएस ने कहीं कहीं चेतावनी दे दी है, और अगर हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर यूएस कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। अगर आप दोस्तों फिर यहाँ पे बात करें तो जो आपकी न्यूक्लियर नेगोशिएशन है आपकी, देखिए जापान की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों जापान की टेंशन क्या है, तो देखिए यूएस जो है दोस्तों नॉर्थ कोरिया के साथ न्यूक्लियर नेगोशिएशन कभी स्टार्ट करता है कभी ख़त्म कर देता है, तो टोक्यो इसके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंतित है, क्योंकि जापान दोस्तों अगर आप मैप पे निहारेंगे, और आज आपका मैप का प्रैक्टिस का क्वेश्चन नहीं यही है, आप मुझे ये बताइए कि जापान के अगल बगल के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है, जो तो जापान के बॉर्डर्स को छूती है, और नॉर्थ कोरिया दोस्तों अगर आपके जापान को छूता ही नहीं छूता है तो आप लोग ही बताएंगे मुझे। बाकी जो नॉर्थ कोरिया दोस्तों काफ़ी पास में है जापान के, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वजह से देखिए जापान को टेंशन है कि कल को वहाँ पे कुछ होता है तो जापान पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जापान तो दोस्तों ऑलरेडी हिरोशिमा नागासाकी का जो पूरा इंसिडेंट है वो सह चुका है, तो मतलब ये तो वही वाली बात है। तो इसलिए टेंशन की है, जापान अपनी यहाँ पे चिंतित है, अपने लिए चिंतित है। इसके बाद दोस्तों अगर इंडिया जापान की हम बात करें तो ये लोग दोस्तों यहाँ पे आपस में बात हो रही है कि कॉपरेट करके साथ में आगे बढ़ें, क्योंकि दोस्तों दोनों ही कहीं ना कहीं सेम सिनारियोज़ पे हैं, और इंडिया जापान दोस्तों हमेशा साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि जापान की दोस्तों कहीं ना कहीं चाइना से नहीं बनती है, ठीक है, चाइना और जापान दोस्तों आपस में सिर्फ सामने दोस्त हैं, इंडिया और चाइना वाला जो सीन है वो जापान और चाइना वाला सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जापान है वो इंडिया के ज़्यादा क्लोज एलाई माना जाता है कंपेयर टू चाइना। तो यहाँ पे देखिए इंडिया और जापान अपना एक अलग बना के आगे बढ़ सकते हैं साथ में आगे बढ़ते हुए। तो ये सब चीज़ें हैं, अब देखते हैं इस पर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर फॉर्मेशन इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो आज आप दोस्तों मुझे ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलरली लाइन का मतलब क्या है, मैं आपसे यही आज क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप लोग मुझे बताएंगे जो ट्राइलेटरल एंड कोऑर्डिनेटर फॉर्मेशन ऑफ द इंडिया पैसिफिक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में सारे लोग आज सर्च करके बताएंगे, ठीक है। ट्राइलेटरल एंड कोऑर्डिनेटर फॉर्मेशन इन द इंडो पैसिफिक, जाइए न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़िए और यहाँ पे खोजने की कोशिश करिए कि ये क्या है, वहाँ नहीं मिले तो इंटरनेट से पढ़िए, उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं कि हाँ सर इसका मतलब ये होता है। जो मिस्टर एबे हैं दोस्तों मोदी जी से मिलेंगे जब अपने विजिट बीजिंग से लौट आएंगे, देखिए एक दिन ही पहले वो मतलब आप कह सकते हो जब मोदी जी वहाँ पहुँचने वाले हैं तो उससे पहले जो जापान के शिंजो एबे जी हैं वो चाइना गए थे विजिट पे, तो वो जब चाइना से लौटेंगे उसके अगले दिन ही यहाँ पे मोदी जी वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जापान के ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं इन्होंने चाइना जो विजिट करी ये पूरे 7 साल बाद पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो गए हैं, ठीक है। 7 साल में पहली बार यहाँ पे कोई गया हुआ है चाइना के अंदर, यहाँ पे आप कह सकते हो मीटिंग करने के लिए, चाइना को विजिट करने के लिए, तो ये एक बड़ा मुद्दा है और काफ़ी बड़ी बात भी है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो चाइना से भी अपनी भी रिलेशन, देखिए अभी सभी लोग वही कर रहे हैं कि जापान भी चाइना से अपनी बना के रख रहा है, और इंडिया ने भी यहाँ पे पूरी कोशिश करी हुई है। देखिए अभी मोदी जी इनफॉर्मल समिट में गए थे, काफ़ी सारी मीटिंग करी हुई थी, तो बीजिंग से जो हमारे आप कह सकते हो टाइज हैं वो थोड़े से सही चल रहे हैं। इसके बाद देखिए सिंह कैसन जो बुलेट ट्रेन है प्रोजेक्ट जो है, जो अभी आपको सभी को पता है इंडिया में जो बुलेट ट्रेन का आने वाला है, तो काफ़ी दिन से मैटर था लेकिन अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा है, क्योंकि 5,500 करोड़ के आसपास दोस्तों यहाँ पे एजेंसी जो है जो यहाँ पे पैसे देने वाली थी जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, उन्होंने इतने पैसे निकाल दिए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पे डिले होने के चांस है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन बहुत बड़े अमाउंट पे होने वाला है, क्योंकि देखिए छोटी मोटी यहाँ बुलेट ट्रेन बनने की बात नहीं हो रही, बहुत बड़ी ट्रेन बनने की बात हो रही है, तो जितनी भी ज़मीनें दोस्तों यहाँ पे पड़ी उनको एक्वायर करी रही है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक्वायर तो कर रही है लेकिन कुछ लोग केस फाइल कर रहे होंगे, कुछ क्या कर रहे होंगे, तो जो लैंड एक्विजिशन है वो एक अपने आप में इशू है, ठीक है।
इसके बाद देखिए जो मिलिट्री एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि जो आपके इंडियन जापान है वो मिलिट्री एक्सचेंज करें, आपस में आगे बढ़ के साथ बढ़ें, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब बात करी जा रही है। अगर आप दोस्तों की बात करें तो शिन मायवा US-2 का जो एम्बियन एयरक्राफ्ट है जो इंडिया और जापान के बीच में बातचीत चल रही थी, ये जो मैटर है थोड़ा स्लो चल रहा है, इस पर अभी कुछ गुजारिश की बात है कि थोड़ा सा अभी इसको और पुश करें, इस मैटर को भी आगे बढ़ाएं, इस पर भी वार्तालाप कर सकते हैं मोदी जी। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों जापान का वो तो ज़्यादा हुआ है हमारे कंट्री में, लेकिन अगर आप बात करो ट्रेड के फिगर्स की तो कम हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो, परसेंटेज वाइज देखोगे तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं जितना पहले करते थे उससे, लेकिन ट्रेड के जो है परसेंटेज देखोगे वो कम है जापान के साथ। तो यही है, अब इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा और इंडिया और जापान को साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देखिए चाइना और US तो साथ में खड़े हैं और इनको आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा दोनों ही इस पोजिशन पर हैं आज की डेट में वर्ल्ड में कि इनको एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया को ज़रूरत है, जापान को ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये दोनों साथ मिलकर अगर बढ़ेंगे तो काफ़ी मतलब बेनिफिट होने वाला है। तो यही देखते हैं क्या होता है मीटिंग में और आगे क्या बातें होती हैं, पर जो भी है इंडिया और जापान हमेशा साथ रहे हैं तो होप आगे भी ऐसे ही साथ रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे और अब हमारा जो अगला आर्टिकल हम वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड विद कॉशन। ठीक है दोस्तों, NRC पे अभी तो पूरा आसाम का मुद्दा आया ही था, आपने देखा था कि आसाम में क्या क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने दोस्तों NRC तो हो गया पर 40 लाख के आसपास दोस्तों लोग यहाँ पे रह गए, एक ही फैमिली में दोस्तों किसी के दादाजी हो गए थे और किसी उनके बच्चे नहीं हुए, उनके पोते नहीं हुए, तो मतलब काफ़ी गलत सिस्टम आया और काफ़ी लोग दोस्तों बेघर हो गए, काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं कि NRC ठीक है, अब देखिए त्रिपुरा में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है, काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन। ठीक है, त्रिपुरा में भी इसकी दोस्तों अगर डिमांड बढ़ रही है तो देर आर प्रोबेबिलिटी कि अब त्रिपुरा में भी ये चीज़ होने वाली है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा दोस्तों आता है कि किस डेट से किया जाए, जैसे कि आपका आसाम में 1971 से किया गया था, तो अब यहाँ पर मुद्दा है कि यार त्रिपुरा में कितने से किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आ जाते हैं दोस्तों आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए त्रिपुरा के सामने जो मेन मुद्दा आ रहा है ना कि किस डेट से यहाँ पे रखा जाए NRC को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पेटिशनर थे जिन्होंने यहाँ पे रिट डाली थी NRC लाने के लिए त्रिपुरा के अंदर, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जुलाई 1948 को कट ऑफ डेट रखी जाए। ठीक है, पर यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है कि जो मतलब आर्टिकल 6 के तहत इन्होंने कहा है कि यार ये डेट रखी जाए, लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि जो त्रिपुरा है आपका प्रिंसली स्टेट हुआ करता था 15 अक्टूबर 1949 से पहले और उसके बाद वो इंडिया में मर्ज हुआ है। तो फिर यहाँ पे इस पे भी क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि सामने क्या ही क्या किया जाए। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो रिफ्यूजीज हैं वहाँ से जब आए थे इंडिया में, तो यही सब चीज़ें हैं और काफ़ी मतलब क्वेश्चन हैं। देखो यार बात ये होती है ना कि इतने सालों से कोई भी वहाँ पे रह रहा है उनको फिर अचानक से निकाल दिया जाएगा, अभी सेम चीज़ आपका यहाँ पे दोस्तों आसाम में हुआ है, अब त्रिपुरा भी इसका दोस्तों होने वाला है और अभी तो बंगाल में भी बात चल रही है कि बंगाल में भी NRC लेके आई जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अगर आप बात करें तो दशरथ देव की जो उस टाइम पे मतलब जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उस टाइम पे जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे दोस्तों आपका एक मिलिटेंट आउटफिट होता था ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स ATTF इन 1933, उनके साथ मिलकर एग्रीमेंट टाइप का किया था और उसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि जितने बांग्लादेशी नेशनल्स होंगे जो यहाँ पे 25 मार्च 1971 से पहले आए होंगे सबको वापस उनकी कंट्री में भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ थी, लेकिन अभी तक ये भी अप्लीकेबल नहीं हुई थी, बस इन्होंने कर लिया था लेकिन लोगों को ऐसे पब्लिकली मतलब कह सकते हो कि फोर्स नहीं कर पाए थे भगाने के लिए। अगर दोस्तों 1951 के सेंसस की यहाँ पे बात करें ना, तो जो एथनिक कम्युनिटीज़ थी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आती थी उसमें दोस्तों माना जाता था कि वो मेजर पॉपुलेशन कभी कंसिस्ट करते थे। ठीक है, 52.89% के आसपास दोस्तों वो लोग वहाँ पे रहते थे, 1.73 लाख दोस्तों अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, ठीक है, इन 1901 की यहाँ पे बात है। फिर देखिए 50.09 आ गए 1941 में, 36.89 आ गए 1951 में, 28.95 आ गए 1971 में और 28.44 हो गए आपके 1981 में। ठीक है, और 31.78% टोटल पॉपुलेशन जो थी आपकी 36.74 लाख रिकॉर्ड 2011 सेंसस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2011 के सेंसस में क्या आया, तो धीरे धीरे इनकी संख्या भी यहाँ पे कम होती गई। अगर हम दोस्तों आसाम की यहाँ पे बात करें तो आसाम में जो डेट ली गई थी दोस्तों March 24, 1971 की मिडनाइट ली गई थी। ठीक है, और अगर उस पर भी दोस्तों पटिशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि 1951 को आप एज ए कट ऑफ ईयर लो ना कि आप इसको लो, और जिसमें देखिए 3.929 करोड़ एप्लीकेंट्स आसाम में आए थे जिसमें से 40 लाख लोगों को दोस्तों NRC की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, मैंने आपको जैसे कि बताया, और अभी इस पर पूरा मैटर चल रहा है, फिर से इनकी रीचेकिंग हो रही है, लेकिन वही बात है कि एक बार जिसका नाम आ गया तो फिर वो तो मतलब टेंशन परेशान और बहुत ही कम चांसेज हैं कि वो लोग इस नाम से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए कहा जा रहा है कि जो आपका आर्टिकल 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका ऐसा कहना है कि अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स यहाँ पे इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो उनको यहाँ पे मतलब सिटीजनशिप मिल सकती है, और अगर इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर कोई 1948
जुलाई 1948 के बाद दोस्तों को इंडिया में आता है, और फिर उसके बाद दोस्तों जो अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑफिसर जो अपॉइंट्स किए थे उनके द्वारा रजिस्टर कर दिया जाता है, तो फिर वो भी एज इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। पर यहाँ पे देखिए दोस्तों, आसाम में यही चीज़ें हुई कि जैसे 1971 से पहले बहुत लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन इनके पास पर्टिकुलरली जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो नहीं थे, तो वो भी इस लिस्ट में फिर शामिल नहीं हो पाए। तो ये एक आप देख सकते हैं कि चिंता का और टेंशन का विषय हो गया है। और इसके अलावा देखिए फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपकी बीजेपी लीड गवर्नमेंट है त्रिपुरा के अंदर और सेंटर के अंदर, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इनका दोस्तों अभी एक नया एक्ट लेके आने वाले थे, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016, वो भी यहाँ पे लाने के लिए पुश करेंगे, जिससे कि दोस्तों जो पोस्ट पार्टीशन बंगाली रिफ्यूजीज़ हैं वो उनको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, और काफ़ी मतलब थोड़ा सा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वो यहाँ पे चीज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो अभी आपकी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ये भी कह रही थी कि जितने माइनॉरिटीज़ हैं जो हमारे अगल बगल कंट्रीज़ में हैं, जैसे कि आप देख लो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जिसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, जैन और पारसीज़ हैं एक्सेप्ट मुस्लिम, तो इन लोगों को भी दोस्तों इंडिया में जो बिल अमेंडमेंट आने वाला है कि इंडिया में इनको सिटीजनशिप मिलेगी, इसके काफ़ी अगेंस्ट में बातें चल रही हैं, लेकिन तब भी ये मान नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ है कि इसको कर दिया जाएगा, क्योंकि भले स्टेट के अंदर से इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टेट के बाहर जैसे कि यूपी ले लो, बिहार ले लो, या फिर कुछ और स्टेट्स ले लो इंडिया के, वहाँ पर लोग इसके पक्ष में हैं कि आपको ये चीज़ कर देनी चाहिए कि जो बाहरी कंट्रीज़ में हमारे हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसीज़ हैं, तो इन लोगों को यहाँ पर एंट्री मिले, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हो बीजेपी की वोट बैंक पॉलिसी टाइप का है, थोड़ा सा पॉलिटिकल अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, तो इतना आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है ना, फिर आप लोग बोलते हैं कि सर ज़्यादा इधर हो जाते हैं, थोड़ा उधर हो जाते हैं, तो हमें उससे मतलब नहीं है। मेन जो मुद्दा दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखना है ना, कि चीज़ें देखिए सारी वही हैं, और अगर ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट होनी भी है ना, तो मेन चीज़ है त्रिपुरा को पहले तो मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि जो चीज़ आसाम में हुई है ना वो चीज़ सहना पड़ेगा पहले तो त्रिपुरा को भी, और जो वहाँ के लोग अभी डिमांड कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल मेंटली इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि इसको थोड़ा सा प्रोसेस को थोड़ा सही करके गवर्नमेंट आगे एक बढ़ाए, क्योंकि जो आसाम में जो गलतियाँ हो गई उससे कुछ सीखें कि दूसरी बार करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और डेट का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि डेट आखिर में क्या ली जाए, ये एक काफ़ी चिंता का विषय सामने आया हुआ है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों को कह दिया है कि NRC को स्टेट स्टार्ट करो और एक ड्राफ्ट तैयार करके दो कि कैसे क्या आप करने वाले हो, क्या आपकी थिंकिंग है, तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। बस यही है, जो राइटर यहाँ पे जो टाइटल है उस हिसाब से बात भी है, प्रोसीड विद कॉशन, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोसीड करो लेकिन थोड़े से प्रिकॉशन के साथ आगे प्रोसीड करो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आज का आर्टिकल था, और आज बस क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्वेश्चन मुझे जवाब चाहिए। इसके अलावा GS पेपर मार्क करने हैं आपको 11 नवंबर 2018 को, ध्यान रखना सभी लोग, यार 12 बजे आ ही जाना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और महिलाओं का दोस्तों सम्मान करना है जैसे कि मैंने आपको बताया, और फिर से मैं बता देता हूँ कि मतलब यार ठीक है, नारी का करो सम्मान तभी बनेगा देश महान, ये तो एक स्टेटमेंट हो गई, और काफ़ी लोग यहाँ पे बोलते हैं, काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, देखो यार मीटू कैंपेन अभी चल रहा है, ठीक है, मीटू कैंपेन चल रहा है, बस वो चल के ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग किसी को प्रेस करने की जगह ना खुद आ जाइए। मैं महिलाओं से यहाँ पे सीधे साथ बात करना चाहता हूँ, जो हमारी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और जो काफ़ी लोग हमें यहाँ पे देखते हैं, मैं आप लोगों के लिए दोस्तों बस एक बात बोल रहा हूँ कि एज ए मतलब आप मेरे को एज ए फ्रेंड समझो, एज ए स्टूडेंट समझो, जो भी आप लोगों को मतलब बेटर लगता है, बस मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप लोगों के साथ हुई है ना उसको बिल्कुल सामने आओ। मीटू कैंपेन चल रहा है, सोशल मीडिया पे आने की, देखो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे आना है ठीक है आइए, लेकिन उससे ज़्यादा प्रैक्टिकली इसको सामने आइए, क्योंकि हर इंसान के मतलब अगल बगल में चीज़ें ऐसी घटती हैं, और मे बी भगवान ना कर रहा है ऐसा हुआ हो, लेकिन आप में से भी अगर किसी के साथ ये सब चीज़ें हुई हों तो प्लीज़ उसको आगे आओ, अपने घर वालों से कन्फर्ट करो, बातें उनको बताओ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी इस टाइप के ऑफेंडर्स होते हैं वो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, वो ये चीज़ करते रहते हैं, तो क्या पता उन्होंने जैसे आपकी लाइफ तबाह करी थी उसी तरीके से वो आज किसी और की लाइफ तबाह कर रहे हों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैं सब आपको आंकड़े ही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने मन से चीज़ें बोल रहा हूँ, ये सब आंकड़े हैं। और ये भी बिल्कुल सत्य बात है कि जो चाइल्ड हैरेसमेंट होते हैं, जो महिलाओं का हैरेसमेंट होता है बचपन में, उसमें दोस्तों 70-80% चांसेस उनके फैमिली मेम्बर्स करते हैं, जो कि दोस्तों बाहरी लोग इतने क्लोज नहीं होते हैं कि वहाँ तक पहुँच पाएँ, पर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो वहीं पर होते हैं और वो लोग ये चीज़ें करते हैं। तो सामने आइए, अपने घर वालों को बताइए, जिससे कि जो इंसान ये सब चीज़ें कर रहा था वो यहाँ पर उस चीज़ को करने से बंद करे, किसी और की लाइफ तबाह ना कर पाए, ठीक है। और मीटू कैंपेन को सपोर्ट
करिए, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, लेकिन साथ में खुद के लेवल पर भी आपको चेंज लाना होगा। ठीक है, आपको डर लग रहा होगा कि कुछ रिलेशन ख़राब हो जाएगी, पापा लोग कुछ कह देंगे या फिर पापा और उनकी रिलेशन ख़राब हो जाएगी, पर आप सोचो यार इसके वजह से आप किसी और मासूम की लाइफ तबाह करने पर लगे हुए हो, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको सामने आना चाहिए और बाकी इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। और एज ए स्टूडेंट, एज ए फ्रेंड, मैंने आप लोगों को गाइड किया है। इसके अलावा प्लास्टिक का दोस्तों कम से कम यूज़ करिए, और वीडियो को अच्छी लगी दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करा करो यार, आप लोग शेयर आई डोंट थिंक ये करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को, मैं कह रहा हूँ एक आप लोगों को अच्छी लगे तो बस एक ग्रुप पे शेयर कर दो, एक फेसबुक जगह पे शेयर कर दो, बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से कल, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।